हेलो दोस्तों, आज की टॉपिक है हॉट मेटल हैंडलिंग एट द कास्ट हाउस। तो मेनली कास्ट हाउस में कैसे हॉट मेटल हैंडलिंग करेंगे, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेंगे, क्या क्या हजार से हम लोग बचेंगे, इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। मैंने इससे पहले एक वीडियो भेजा था ब्लास्ट फर्नेस की गैस बारे में, जो एक्चुअली ब्लास्ट फर्नेस से दो ही चीज खतरा होता है, वो क्या है, हॉट मेटल और दूसरा है ब्लास्ट फर्नेस की गैस। तो ये दोनों चीज को हम लोग सेफ्टी लेके सेफ्टी का रूल फॉलो करके हम काम करेंगे, कहीं भी अनसेफ एक्ट नहीं करेंगे, अनसेफ कंडीशन कोई चीज है तो बताएंगे, और ऐसे करेंगे तो हम लोग ये बड़ा इतना बड़ा हजार से हम लोग बच पाएंगे, क्योंकि ये जो दोनों चीज जो है ये जानलेवा खतरा है। तो मगर जानलेवा तब होगा जब हम लोग ने की गलती करेंगे, हम लोग सेफ्टी में अपनाएंगे नहीं, सेफ्टी को इग्नोर करेंगे, कुछ नहीं होगा, ओवर कॉन्फिडेंस रखेंगे, ये सब चीज वो लेके तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए और आज जो है आप सबको पता है कि हर साल में 4th मार्च को हम लोग को सेफ्टी नेशनल डे मनाते हैं पर 1 वीक के लिए, मगर एक दिन के लिए हम सेफ्टी नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग को एक दिन के लिए हम काम करने नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए खाली इस काम की बात में, खाली प्लांट की बात नहीं बोल रहा हूँ, प्लांट से लेकर घर तक भी सेफ्टी रहना चाहिए, हर चीज में सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम लोग बच पाएंगे। तो मेनली ये जो नेशनल सेफ्टी जो वीक है, वीक के लिए भी नहीं मनाते हैं, तो हर सेकेंड 365 days 24 तो हम लोग को उसको सेफ्टी सेलिब्रेशन करेंगे, तब जाके हम लोग को हजार से कहीं टाइप का हजार से उससे हम लोग बच पाएंगे। तो इसीलिए छोटा मिस्टेक के लिए आदमी जान चल जाता है, तो ये छोटा मिस्टेक कोशिश करेंगे कि हम ना करें। चलिए शुरू करते हैं कि हमारा हॉट मेटल हैंडलिंग कास्ट हाउस में कैसे करते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस में सबसे जो मैन पावर लगता है वो है कास्ट हाउस, और सबसे जो खतरा है वो भी कास्ट हाउस है। तो इसीलिए हमेशा कास्टिंग खोलने से पहले, कास्ट हाउस काम करने से पहले, हम लोग को जितना भी आदमी काम कर रहा है उसको टूल बॉक्स स्टॉक देना जरूरी है, और सेफ्टी बारे में बताना है क्या क्या हजार से आप हम कैसे बचेंगे। तो इसीलिए मैंने बहुत छोटा सा और सिंपल करके ये वीडियो को बनाया हूँ, ताकि आप लोगों को इतना दिन चीज को आप ध्यान रखेंगे तो आप लोग कहीं भी खतरों से आप इंजर्ड नहीं होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं कि हॉट मेटल हैंडलिंग टैप होल से लैडर तक कैसे करेंगे, बाकी जो है तो मैं आगे में बताऊंगा कि खाली इतना तो हैंडलिंग या नहीं है, वहाँ उसकी बात भी हम लोग को मेटल को ट्रांसफर करते हैं PCM को और बाकी सर्विस डिपार्टमेंट को, DIP SMS इंडक्शन, ये बहुत सारे है जो हॉट मेटल ट्रांसफर होता है और लोगों से, और वो वहाँ से कैसे करेंगे मैं नेक्स्ट बताऊंगा। तो इसीलिए ये जो है टैप होल टू लैडर्स हम लोग कैसे, पहले जैसे हम टैपिंग खोलते हैं वहाँ से मेटल आना शुरू कर लेता है और लैडर तक, तो उसके बीच में हमको सेफ्टी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। जो भी कास्ट हाउस में हमारा ऑपरेटर और हमारा कैजुअल वर्कर जो भी काम कर रहे हैं उसको सेफ्टी ध्यान देना हम लोग का जिम्मेदारी है, और वो लोग को समझाना कि सेफ्टी में साथ कैसे काम करेंगे, हर दिन हम बोलेंगे तो वो लोग को भी सेफ्टी का अवेयरनेस थोड़ा सा रहेगा, तो वो लोग को भी एक्सीडेंट का शिकार नहीं होंगे। चलिए तो मेनली जो रनर कास्ट हाउस में जो क्या रहता है, एक मेन रनर मेन ट्रैप रहता है, मेटा रन रहता है, स्लैग रन रहता है और टिल्टिंग रनर रहता है। तो ये जो चारों हमारा जो हैंडलिंग का ये मेन पॉइंट रहता है। आदमी मेन ट्रैप जो है, तो ये जो मेन ट्रैप है उसमें जो हमारा लिक्विड हॉट मेटल रहता है, तो उससे और उससे आदमी क्या करता है, उससे जंप करता है। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कभी भी कहीं भी हालात में कितना भी इमरजेंसी पड़े वो मेन रनर जंप ना करे, क्योंकि बहुत आदमी ऐसा जंप करके जान खो बैठा है और बहुत आदमी इंजर्ड होकर जिंदगी भर काम नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज आप लोग से कोई ना हो, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा। और उसके अलावा खाली मेटल रनर की बोल, खाली मेटल मेन ट्रैप की बात नहीं बोल रहा हूँ, मेटल रनर की बात बोल रहा हूँ, स्लैग रनर कहीं भी रनिंग ये मैं जंप नहीं करना है, सब लोगों को पता है कि छोटा है मैं जंप कर लूंगा कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं होता है। कास्ट हाउस में कभी ना कहीं भी स्लिप होता है तो आपके बॉडी को बैलेंस नहीं रख पाएंगे, सीधा मेटल में आ जाएंगे, तो आप वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आपको जिंदगी भर भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए वो ना करें, और यहाँ पे फिनिशिंग मेटल रनर, और ये है उसके बाद स्लैग रनर भी है, तो इसमें और मेटल रनर भी सेम है, कहीं भी हालात में जंप नहीं करना चाहिए, वहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है आप उससे यूज करें या थोड़ा सा घूम के आइए, मगर शॉर्टकट कभी नहीं करना, जिंदगी में शॉर्टकट करोगे तो जिंदगी भर आप खो बैठोगे।
शॉर्टकट ही चल जाओगे, तो इसीलिए। और उसके बाद फिल्टर ग्रामर भी रहता है, तो जो है लैटर को चेंज ओवर करने के लिए। तो और बाकी हजार जो है कास्ट हाउस में बहुत सारे हजार रहता है, जैसा पहले तो बर्निंग होता है, आप सबसे पहला जो है बर्न होता है, एक्सप्लोजन होता है, फायर होता है, और रेडिएशन भी है, इग्नस फ्यूम और गैसेज जो रहता है उसमें भी निकलता है, आपको इनहेलेंस करना पड़ता है। आई हजार होता है, आँखों में भी बहुत सारे डस्ट और जो फ्लेम रेडिएशन जो आता है वो भी आपके लिए दिक्कत है। तो इसीलिए आप सेफ्टी का जो पीपी है आप जरूर इस्तेमाल करें। सबसे पहले कास्ट हाउस काम करने से पहले आप पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है आप जरूर इसको इस्तेमाल करें। आपका जो सेफ्टी अपूर्ण रहता है वो फायर एग्जिट वाला जो है उसको आप यूज करना चाहिए, ताकि आप हीट से बच पाएंगे, और कहीं भी मेटल का स्प्लैश होता है या स्प्लिटिंग होता है तो आपके ऊपर गिरने से भी आप बच पाओगे। मगर आप उसको नहीं पहनेंगे तो बहुत बड़ा इंजुर होगा, बर्न होगा, और ज़्यादा होगा तो जान भी जा सकता है। तो इसीलिए कि आप उसको ज़रूर पहन के काम करें कहीं भी हालत में। और पहनना है ऐसा नहीं कि ढंग से पहनना है, प्रॉपर वे से पहनना है, ताकि आप कहीं भी हालत में कहीं भी मेटल का छिटका भी आपके ऊपर ना गिरे। तो इसीलिए जो आपको सेफ्टी पीपी जिसको पता नहीं मैं बोल भी दे रहा हूँ, जो सेफ्टी पीपी होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव जो होता है, सेफ्टी हेलमेट रहता है, सेफ्टी शू रहता है, सेफ्टी हैंड ग्लोव रहता है, सेफ्टी जैकेट रहता है, सेफ्टी गगल रहता है, नोज मास्क, ईयर प्लग और अपरून और लेग गार्ड, सारे सेफ्टी पीपी है। आप उसको कास्ट हाउस में काम करना है मतलब आपको यूज करना है कंपल्सरी। देखिए आपकी नहीं पहनेंगे आप इंजर्ड होगा तो पेन आपको होगा, बाकी लोग को नहीं होगा। तो इसीलिए आप हमेशा खुद का सेफ्टी खुद ही लेना चाहिए, ये नहीं कि सेफ्टी वाला का जिम्मेदारी है वो कंपनी को मेरे को दिया नहीं है, मैं क्या करूँ, कंपनी मेरे को प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो ये वो कभी नहीं बोलेगा। आप उसको बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो वो आप भोगेंगे। तो कोशिश करें कि आप लोग खुद का सेफ्टी खुद ही इस्तेमाल करें। कैसे आप सेफ्टी में काम करेंगे आधा घंटा और सेफ्टी से घर जाएंगे, जैसे जैसे खुशखुशी में घर आए थे ऐसा हंसखुश में फिर घर जाएंगे, तब आपको काम करने का इंटरेस्ट लगेगा। तो इसीलिए ये चीज़ में आप थोड़ा सा ध्यान दें, और कोई भी टेंशन काम करने टाइम नहीं रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा कजेस है जो एक्सीडेंट होने की, आप ध्यान दूसरा है, और मोबाइल का इस्तेमाल ना करें कास्ट हाउस में। ये बहुत सारे पॉइंट है जो आपको एक्सीडेंट से बचा सकता है। और आपको जो कजेस ऑफ हजार्ड्स आर कास्ट हाउस में क्या क्या कजेस है, जो भी कजेस है वो कजेस जो खतरा का जो कजेस है, तो ये कजेस से हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशन लेंगे तो हमको एक्सीडेंट होने का कोई भी चांस नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, खुद ही आप लोग सेफ्टी का सही ढंग से ध्यान रखेंगे, सेफ्टी का रूल आप रेगुलेशन फॉलो करेंगे तो कोई भी जीरो एक्सीडेंट होगा। तो इसीलिए तो मेनली जो है सबसे क्या है, हार्ट मेटल स्लैग जो है 1000 है, तो मेनली वो चीज़ ब्लास्ट फर्नेस से निकलता है, वो आउटपुट है, और ये जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। तो उससे आप लोग सेफ से काम करना है, कोई भी अनसेफ काम नहीं करना है। और एक्सप्लोजन स्पैसेस, एक्सप्लोजन जो है आपको पता है एक्सप्लोजन क्यों होता है, तो एक्सप्लोजन जो होता है मेनली जब भी कोई भी मेटल पानी के साथ कांटेक्ट में आ जाता है तो इमीडिएटली क्या होता है, इमीडिएटली वो जो पानी का जो नॉर्मल वॉल्यूम से और जो स्टीम फॉर्मेशन होता है उसका वॉल्यूम जो है तो वो 1600 टाइम्स वो एक्सपांड हो जाता है, जिसकी वजह एक्सप्लोजन होता है। तो ये मेन चीज़ है एक्सप्लोजन होने का, वहाँ पर एक्सप्लोजन होगा तो मेटल जो स्पैसेस होगा या उसके साथ में जो भी सॉलिड मेटल फेंकेगा कहाँ कब कहाँ से लगेगा कोई बता नहीं सकता, तो इसीलिए आप उसे दूर रहें। कास्ट हाउस में फ्री ऑफ मॉइस्चर होना चाहिए, और प्रॉपर हाउस कीपिंग करें। मेन आदमी बहुत आदमी मैंने ऑब्जर्व किया हूँ और बाकी प्लांट में देखा हूँ, एक्सीडेंट जो मैक्सिमम होता है वो हाउस कीपिंग प्रॉपर नहीं रहने से। कास्ट हाउस में आपका हाउस कीपिंग प्रॉपर नहीं रहेगा आप खुद ही गिरेंगे, कहीं भी काम कर रहे हैं वहीं फेंक देते हैं तो लग जाता है, तो इसके बाद लगने के बाद आप बॉडी बैलेंस रहता है, आप कहीं भी गिर सकते हैं। वहाँ पे मेटल हैंडलिंग लिया है तो कब कहाँ गिरेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप उससे हाउसकीपिंग का प्रॉपर ध्यान रखें। हाउसकीपिंग में ध्यान रखें तो आपका सोच लीजिए कि 80% एक्सीडेंट से बच ही जाएंगे, और बाकी जो काम कर रहे हैं वो तो प्रॉपर तरीके से काम करें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
और ओवरफ्लो स्पिलेज, कभी कभी मेटल डोनर ओवरफ्लो हो जाता है, वो खुद ही नहीं होता है, कहीं भी मिस्टेक के वजह हो जाता है और ऑपरेशन का रॉन्ग प्रैक्टिस के वजह भी होता है। तो इसीलिए वो जैसे मेटल ओवरफ्लो होता है, वो तो पानी है आपको सब पता है, पूरा प्रेमी पानी ऐसा पूरा बह जाता है पूरा, तो उसकी वजह क्या होता है, उसके लिए जो होने बाद उसकी कॉन्टैक्ट में कोई भी पर्सन आता है तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। तो इसीलिए आप उसको हिसाब से आप सेफ्टी का जो भी पीपीई प्रॉपर यूज करें और उसको ना हो ओवरफ्लो उसको अवॉइड करें। और मेनली टैप होल ब्लास्टिंग, कभी कभी टैप होल भी कभी मतलब क्या है होना नहीं चाहिए, कहीं भी फॉल्ट की वजह या डिजाइन का फॉल्ट की वजह या कोई ऑपरेशन कास्ट हाउस ऑपरेटर का जो है लास्टिंग रॉन्ग प्रैक्टिस के वजह भी वो क्या होता है टैप होल में जो कूलिंग बॉक्स रहता है कहीं पंचर हो जाता है तो पानी का कॉन्टैक्ट आके वो एक्सप्लोजन होता है, तो वो एक्सप्लोज होने के बाद उसके सामने जो भी आता है वो एक्सीडेंट का शिकार होता है, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसमें पीपी पहनने के बाद भी वो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि सामने पूरा मेटल का पूरा बैथिंग जैसा हो जाते हैं, तो इसीलिए ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो मैंने और है कि फंगस ब्रेकआउट, कहीं भी कारण के बजे कहीं भी कोई एरिया में ब्रेकआउट हो जाता है, कब कहाँ कैसे होगा कोई बता नहीं सकता। तो इसीलिए आप लोग तो जब भी जो एरिया में जो भी काम कर रहा है, कहीं भी एरिया में वहाँ पे काम कर रहा है फंगस की सोनाडो एरिया में, वो सही ढंग से काम करे, प्रॉपर जो पीट डोल यूज करे, और मैं तो बोलूँगा वहाँ से कोई काम ना करे टैपिंग टाइम में, ये टाइम में तो उसे दूर है, तब एक्सीडेंट बच पाएंगे। और वाटर एंड मॉइस्चर मैंने पहले बता दिया, कहीं भी एरिया में वाटर और मॉइस्चर का रहने का चांस नहीं है, कहीं भी आप कास्ट हाउस का नीचे हो या लैटर जहाँ पे मेटल लेयर है वो साइड में भी नहीं रहना चाहिए, तो वो एरिया टोटल फ्री ऑफ मॉइस्चर होना चाहिए। तो और रनर पंक्चर भी होता है, वो भी बहुत बड़ा हजार है। तो जैसे रनर पंक्चर हुआ तो उसके नीचे कोई काम कर रहा है, बहुत काम करते हैं सिविल वाले और कुछ भी हाउसकीपिंग वाले कोई भी काम करता है, तो आप इस इंश्योर रहना है कोई भी आदमी वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, तो नहीं तो एक्सीडेंट का शिकार हो जाएंगे। और लैडर, जैसे हम लैडर में लेते हैं तो लैडर ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो होता नहीं है कहीं भी ऑपरेशन की, जैसे हमारा ऑपरेशन का जो भी बंदा रहता है रॉन्ग ऑपरेशन रॉन्ग प्रैक्टिस करता है तो इग्नोर करता है, देखता नहीं है और उसका माइंड दूसरा जगह रहता है, तो वो टाइम में लैडर ओवरफ्लो हो जाता है या कहीं भी डैम की चलते कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो टाइम में डैम सही तो दूसरा लैडर को ट्रांसफर नहीं कर, लैडर ये स्पाउट की वजह या डैम के वजह, तो ये सब रीजन के वजह जो है लैडर ओवरफ्लो होता है। और ओवरफ्लो होने के बाद वहाँ पे मैं पहले बोला कि वो एरिया में कोई काम नहीं, कोई भी कर रहा है तो उसे 50-60 मीटर दूर से काम करे और प्रॉपर पीपी यूज करे, और तो गिरने के बाद भी मेटल स्पिलेज होता है तो वहाँ पे भी एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, वहाँ पे कहीं भी पानी या मॉइस्चर कोई मेटल रहता है तो इसीलिए ये इंश्योर होना है कि वो लैडर के सराउंडिंग एरिया में कोई भी चीज़ नहीं रहना चाहिए, कोई भी फ्लेमेबल आइटम भी नहीं रहना चाहिए जहाँ पे आग पकड़ सकता है। तो और मेन चीज़ मैं ये भी बोलूँगा कि कहीं भी सिलेंडर वगैरह जो सबसे बड़ा डेंजर है, कोई भी सिलेंडर वहाँ पे कास्ट हाउस के ऊपर हो या कास्ट हाउस के सराउंडिंग एरिया में कोई भी सिलेंडर नहीं रहना चाहिए। तो गैस सिलेंडर आप रहेगा तो बाई चांस कहीं भी करंट की वजह मेटल के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएगा तो बहुत बड़ा ब्लास्टिंग होता है और बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा इंश्योर रहना है। और लैडर पंक्चर भी होता है, तो लैडर पंक्चर होने के बाद सही प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, और इसीलिए उससे थोड़ा सा दूर रहे, कहीं भी लैडर जहाँ पे हम लोग मेटल ले रहे हैं वो सराउंड एरिया में कोई काम ना करे। और रॉन्ग ऑपरेशन जैसे मैंने बोला, कहीं भी कास्ट हाउस का जो भी ऑपरेटर रहता है और इंजीनियर रहता है कोई भी नहीं ध्यान देता है तो सही ढंग से ध्यान नहीं देगा, एक स्पाउट में लैडर है दूसरे स्पाउट में लैडर नहीं है काट दिया, या वो डैम सही से बनाया ना हो तो उसकी वजह भी रीजन है, तो ये भी बहुत बड़ा मेटल सीधा डायरेक्ट लैडर नहीं गिर के बाहर गिर जाता है, वो बहुत स्पीड होता है और साथ साथ में भी चारों तरफ वो फैल जाता है, और फैलने से कोई भी इक्विपमेंट और कुछ भी मेटल है वो आग पकड़ता है, वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, तो इसीलिए उससे आप लोग को दूर रहे। और साथ में
ड्राई पिट, ड्राई पिट बारे में मैं आपको ये बताऊंगा, आप लोग सब भी जानते हैं, जो भी ब्लास्ट फर्नेस में काम करके आए हो, जो भी इंडस्ट्री में काम किया हो, जो कास्ट हाउस ब्लास्ट फर्नेस जो ड्राई पिट रहता है वो इमरजेंसी टिप पे उसको पिट बोलते हैं, कभी इमरजेंसी पड़ता है तो उसे लेना पड़ता है। और बहुत जगह में एक्सप्लोजन हुआ है, बहुत आदमी का जान भी गया है, बहुत आदमी इंजर्ड होकर अभी भी पड़ा है, तो इससे हम लोग दूर रहेंगे। मेनली ड्राई पिट कब लेते हैं, कभी फर्नेस चालू करते हैं या फर्नेस कहीं चील हो जाता है, या जो चालू करते हैं और कुछ इमरजेंसी पड़ा तो वहाँ पे लेना पड़ता है, तो वहाँ से लेने से पहले हम लोग इंश्योर रहना है, हर टाइम वो रेडी रहना है, और फिर अपन मॉइस्चर होना चाहिए उधर। अब वहाँ पे बाई चांस कहीं मॉइस्चर रहना रह गया या पानी भी है और पानी टाइप ले लिए तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, वो चारों तरफ मेटास्प्लासिस होता है, तो जिसकी वजह कहीं भी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाता है, इक्विपमेंट डैमेज होता है। उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो है, कोई भी आदमी कहीं भी एरिया में काम कर रहा है वहाँ से, तो वो एक्सीडेंट का शिकार होता है। तो इसीलिए मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि आप हमेशा उसको रेडी रखें और ड्राई रखें, और कहीं भी रनिंग टाइम में पानी ना चालू करें, क्योंकि सबसे खतरा वहीं पर होता है, तो इसीलिए वहाँ से आपको दूर है। चलिए, मैंने ये वीडियो छोटा सा करके मेन मेन पॉइंट कास्ट हाउस मेटल हैंडल के बारे में बता दिया हूँ। आप जरूर उसको आपके दोस्त लोग को भी सेफ्टी बारे में बता दे, ताकि सब लोग, क्योंकि ये नहीं कि आपको मालूम है और दूसरों को मालूम नहीं करना नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताएंगे तब उसको भी जानकारी होगा, वो भी बच जाएगा। सबकी जान सबके लिए प्यार है, तो इसीलिए आप प्लीज़ इसको जरूर आपके दोस्त लोग को बताएं और समझाएं कि हार्ट मेटल हैंडलिंग कैसे करते हैं। बहुत बड़ा बड़ा एक्सीडेंट होता है, आदमी फटल हो जाता है, और फटल होने के बाद कितना ऑर्गेनाइजर पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है, आप लोग सब पत्र के साथ साथ वो तो छोड़िए, उसके आपके परिवार के ऊपर क्या पड़ता है। तो इसलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है। ओके, थैंक यू।